शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सही क्या है, गलत क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। हाँ, जब अपने लालच के लिए घर के बुजुर्ग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, तब छोटों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाए। बहू, चिल्ला मत। अरे, पति तो परमेश्वर होता है, लेकिन आपने अपने परमेश्वर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। आप लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। हम इंसान नहीं, जानवर है। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट जाते? शुक्र करो बहू, आज जो तुमने मेरे लिए कहा वो मेरे बेटे राजू ने नहीं सुना। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो आज जान ले कि उनकी माँ कितनी लालची और खुदगर्ज है। एक शब्द भी तुमने मेरी माँ के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू, तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ कैसी औरत है। उसे तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया, गवार बनाए रखा ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके। तुम्हारी माँ को तुमसे कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। उन्हें सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार है राजू, सिर्फ तुम्हारी दौलत से। जिस माँ की तुम पूजा करते हो वो देवी नहीं, एक डायन है, डायन। देखा, देखा मेरी माँ का बड़ापन। जिसे तुमने इतना बुरा भला कहा उसी ने आज तुझे फंसा लिया, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मगर मेरी एक बात याद रखना शुरू, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी वक्त मेरी माँ के पैर छूकर उसे माफी मांगनी होगी, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैं भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ सच बोलने की सजा ये मिलती है। वाह वाह, क्या औरत है बहना, देखी इसकी अकड़, इसने तो अपने पति का भी लिहाज नहीं किया। धन्य है भारतीय नारी, धन्य है। बाबूजी, बहू तुम? हाँ बाबूजी, घर के सब लोग खाना खाएं और घर का मालिक ही भूखा रहे, अच्छा नहीं लगता। चलिए, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, बैठिए। बाबूजी, आप रो रहे हैं। 20 साल से मैं इसी प्यार और सहानुभूति के लिए तरस गया था, इसी प्यार के दीवाने का भूखा था मैं। एक बात पूछूं बाबूजी, इस घर में इतने सालों से अन्याय क्यों हो रहा है, कोई इसे रोकता क्यों नहीं? अकेले मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके जवाब में मेरी पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर मुझे पागल करार दिलवा दिया, मुझे इस तरह से मर जाने के लिए छोड़ दिया। राजू के लिए एक माँ लाना चाहता था, लेकिन आ गई एक निंदाकिन, उसने मेरे राजू को पढ़ने लिखने नहीं दिया, एक गवार बनाए रखा ताकि वो उसका फायदा उठा सके। मेरा राजू उस नागिन को देवी समझता है, उसकी पूजा करता है। इससे पहले कि वो नागिन उसे डस ले, मेरे राजू को बचा लो बहू, मेरे राजू को बचा लो। अरे गौरी रानी, जरा ध्यान से काम करो, ध्यान से काम करो। कहाँ रखो? अरे मेरे सर पे रख दे। ये देखो, ये देखो, अगर इस साल की फसल ठीक नहीं हुई तो मैं अरे अरे ये क्या कर रहे हो? देख के बच्चे, सर पे रखने को बोला था, आप इधर जाके रखने को। चल चल। अरे क्या बात है राजू भैया, आज बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हो, लगते है रात भर सोए नहीं। चलो तुम लोग बकबक बंद करो, अपना अपना काम करो। काम ही तो कर रही है। हाय दैया, राजू भैया आ गई तुम्हारी दुल्हनिया। राजू भैया, क्या जादू कर दिया एक ही रात में जो बहू रानी दिन में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें जो कुछ भी कहना वहाँ झोपड़ी में चलकर कहो। चलो। झोपड़ी में लेके जा रहे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। यही कहना चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? मेरी बात तो सुनो। सुन चुका हूँ,
वही जो तुमने मेले में कहा था कि अगर मेरी शादी होगी तो किसी राजकुमार से, मुझ जैसे लंगूर से नहीं। अरे लेकिन सुरु, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मैंने तुम पर अपना हक जताने की कोशिश की। क्यों नहीं की? अरे ये क्या कर रही हो? शादी तो दो आत्माओं का मिलन होता है। तो आज ही मिलन हो जाने दो ना। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी इन हरकतों से मैं पिघल जाऊंगा? अरे मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगा। मान जाओ ना मेरे राजा। कभी नहीं। देखो जी, मुझे मेनका बनने पर मजबूर मत करो। देखो जी, मैं विश्वामित्र नहीं हूँ जो तुम्हारी इन हरकतों से पिघल जाऊंगा। अच्छा ये बात है? हाँ यही बात है। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी ये सब कुछ करने से मुझे कुछ हो जाएगा? कुछ हो रहा है? नहीं। कुछ हो रहा है? नहीं। कुछ हो रहा है? हाँ हो रहा है। हो रहा है? हो रहा है। हाँ हो रहा है। चले घर। क्यों? मुझे उनकी याद आ रही है। अरे सुन तो, क्या है बेटा? देख माँ, रमेश शहर से डॉक्टरी पास करके कितनी सारी डिग्रियां लेकर आया। अच्छा माँ, जीते रहो। अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना माँ, तो खुश है ना माँ? हाँ बेटा, बहुत खुश हूँ कि हमारा रमेश डॉक्टर बन गया। माँ अब रमेश पढ़ लिख तो गया, अब जल्दी से एक अच्छी लड़की ढूंढकर इसकी शादी कर दो। क्यों रमेश, हम कोई लड़की ढूंढे या तेरी निगाह में कोई है? हाँ वो अरे वो क्या करता है? बता ना वो लड़की कौन है, उसका घराना कैसा है, वो करती क्या है, उसका नाम क्या है? भैया उसका नाम पुनिका है, बहुत बड़े घर की लड़की है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? भैया वो नए ख्यालात की लड़की है, वो चाहती है कि हमारी शादी पुराने रीति रिवाज से नहीं बल्कि कोर्ट में हो। अरे शादी कोर्ट में हो या कचहरी में हो, हमें तो बहू से मतलब है। क्यों माँ? राजू ठीक कहता है बेटा। देख माँ की मंजूरी भी मिल गई, बस अब तू घर में बहू लाने की तैयारी कर। आइए, ये क्या शोर शराबा लगा रखा है? ये शोर शराबा नहीं है, ये आपके आने की खुशी में पटाखे चलाए जा रहे हैं। शट अप यू ब्लडी सर्वेंट। अरे रमेश, रमेश, रमेश तू बहू को लेकर आ गया। अरे अरे चंपा, चंपा जल्दी से आरती लेकर आ। नहीं नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ये सब पुरानी रस्में हैं, मुझे इनमें विश्वास नहीं है। मुझे तो अंदर जाके ठंडे पानी से नहाना है। चलो डाले अंदर चलते हैं। हाँ हाँ बहू चलो। क्या है ना, ये नए ख्याल की लड़की है। हाँ। हे भगवान, इतना लंबा सफर, मेरा तो अंग अंग टूट रहा है। थक गई हो तो पैर दबा दूं डार्लिंग? If you don't mind. Of course not. रमेश भैया क्या है? मैंने कुछ नहीं देखा। क्या जमाना आ गया, 40 साल हो गए इस देश को आजाद हो गए, फिर भी आज तक हमारे देश के पति चोरों के गुलाम बने हुए। सच्चे ना रमेश भैया? तू बकवास बंद करो, चाय पिला। ये लो, वही करने जा रहा था, आप पी लीजिए। क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ? कितनी बढ़िया चाय बनाई है। क्या बात कर रही है मेम साहब, मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पीने के लिए गांव-गांव से लोग आते, आप उसे वाहियात कहती है। मेरे ख्याल से आपका मुंह का स्वाद बिगड़ गया है। आपके पति डॉक्टर है ना, उनसे जरा चेकअप करवा लीजिए। ब्लडी सर्वेंट आपको बुला रही है जी। मैं तुझसे कह रही हूँ, दो कौड़ी के नौकर तुझसे।
देखो मेम साहब, मेरा नाम नौकर नहीं, मेरा नाम है पांडव धंडो भिकाजी राव। जबान लड़ाता है, गधा कहीं का। क्या जमाना आ गया है, खुद लात मारते हो और मुझे गधा कहते हो। रमेश पांडु, ये सब क्या है? देखो ना भाभी, ये नौकर मत। मेरा नाम नौकर नहीं, मेरा नाम पांडु। सही है, अपने मालिक से इस तरह बात नहीं करते, जाओ अपना काम करो। कुनिका, तुम बाबूजी से आशीर्वाद लेकर आई? ना बाबा ना, उस पागल के कमरे में कौन जाएगा, क्या पता कहीं सर फोड़ दे या गला दबा दे तो। कुनिका, अपने ससुर के बारे में ऐसे बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसमें शर्म की क्या बात है, सारी दुनिया जानती है वो पागल है। He's a bloody madman. तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? भाभी, ये जो कह रही है ठीक ही तो कह रही है ना? रमेश, बड़ी आई थी दादी माँ बनने। आइए ना बाबूजी, आइए ना। आप रुक क्यों गए? तुम नहीं जानते वो लोग। कुछ नहीं होगा, आप आइए तो। चलिए, मुझे उस नरक में मरने के लिए छोड़ दिया था, तुमने एक पराई होकर भी मुझे इस नरक से मुक्ति दिला दी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। चलिए बाबूजी, मंदिर चलते हैं। भाभी, ये क्या कर रही हो, आपका दिमाग तो ठीक है? इस पागल को घर में खुला छोड़ देना उतना ही खतरनाक है जितना एक जंगली जानवर को। हाँ भैया, इस घर में भेड़िए तो खुले आम घूमते हैं और गाय को बांध के रखा जाता है। Shut up, you! अच्छा फाशु, अच्छा फाशु, टाइम फुल बकरी मैं करती है। देखो मेम साहब, अंग्रेजी में गाली देना हमें भी आता है, लेकिन हम उस देश के बासी हैं जिस देश से गंगा बहती है, और इस देश में बहू अपने सास ससुर के सामने सर पर पल्लू डाल के रहती है। तुम्हारी तरह नहीं, नंगी पुंगी घूमती। ये लो मेरा गमछा और ढाक लो अपने आप को। यू बड़ी सर्विस आपको बुला रही है। यू, चलिए बाबू जी, तुम इन्हें लेके नहीं जा सकती। ये नाजुक शहरी कलाइयां संभाल के रख, इन्हें जुल्फे सवारने के अलावा कोई और तकलीफ दी तो तोड़ के तेरे पति के हाथ में दे दूंगी, समझी? चलिए बाबूजी। इसलिए मैं बोल रहा था, पंगा मत लो, पंगा मत लो, उल्टे जूते पड़ गए ना। शट अप यू सर्वेंट। यस मैडम। तुमने इन्हें कमरे से बाहर निकालकर सही नहीं किया। सही क्या है, गलत क्या है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन शायद आप नहीं जानती। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। हाँ, जब अपने लालच के लिए घर के बुजुर्ग सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, तब छोटों का फर्ज बनता है कि उन्हें सही रास्ता दिखाए। बहू, चिल्ला मत। अरे पति तो परमेश्वर होता है, लेकिन आपने अपने परमेश्वर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है। आप लोग तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। हम इंसान नहीं, जानवर है। ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट जाते? शुक्र करो बहू, आज जो तुमने मेरे लिए कहा वो मेरे बेटे राजू ने नहीं सुना। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो आज जान ले कि उनकी माँ कितनी लालची और खुदगर्ज है। एक शब्द भी तुमने मेरी माँ के बारे में और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजू, तुम नहीं जानते तुम्हारी माँ कैसी औरत है। उसे तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया, गवार बनाए रखा ताकि वो तुम्हारा फायदा उठा सके।
तुम्हारी माँ को तुमसे कोई लगाव नहीं है, कोई प्यार नहीं है। उन्हें सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार है राजू, सिर्फ तुम्हारी दौलत से। जिस माँ की तुम पूजा करते हो वो देवी नहीं, एक डायन है, डायन। देखा देखा मेरी माँ का बड़प्पन, जिसे तुमने इतना बुरा भला कहा उसी ने आज तुझे फंसा लिया, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मगर मेरी एक बात याद रखना शुरू, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी वक्त मेरी माँ के पैर छूकर उसे माफी मांगनी होगी, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। मैं भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहती हूँ जहाँ सच बोलने की सजा ये मिलती है। वाह वाह क्या औरत है बहना, देखी इसकी अकड़, इसने तो अपने पति का भी लिहाज नहीं किया। धन्य है भारतीय नारी, धन्य है। ले ले। जब से मैं इस घर में आई हूँ यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है, जिसे आज तक कोई नहीं बदल सका। फिर तू क्या चीज है? इसीलिए मेरी एक सलाह याद रखना कि इस घर में खाना खाने के सिवाय कभी मुंह मत खोलना, वरना तेरी जिंदगी नरक से भी ज्यादा पत्थर करके रख दूंगी। मैं भी अपने सुहाग की कसम खाती हूँ कि इस घर में हो रहे अन्याय को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठूंगी। राजू, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए सुरु, जानवरों जैसा सलूक किया मैंने तुम्हारे साथ, लेकिन मैं क्या करूं, जब भी कोई मेरी माँ के बारे में ऐसी वैसी बात करता है तो मैं अपने आप से बाहर हो जाता हूं। सुरु, जो भी तुम्हें भला बुरा कहना मुझसे कह लो, लेकिन मेरी माँ के बारे में कभी कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। ये क्या हो गया? तुम पर हाथ उठाने की सजा दी है। मुझे माफ कर दो राजू, मैं नहीं जानती थी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। तो पहले से ही टूटी हुई थी, अब कमर भी टूट जाएगी। लो जी तुम्हारा माल तो लद गया, अब मेरे पैसे निकालो। तो राम जी, ये 2 लाख। राम जी की दौलत राम, 2 लाख रुपया। 2 लाख तो राम जी, 2 लाख रुपया हिसाब में लिख दो। अरे बेवकूफ, वही खाते में लिख दे कि गोदाम में आग लग जाने से 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। लेकिन तोता राम जी, पता तू बोलेगा कि पिछले महीने खेत में आग लग गई थी, उससे पिछले महीने पानी के कुएं में आग लग जाने से सारे पंप जल गए थे, मगर इस महीने में भी आग। रामलाल बाल को ठीक से पानी दिया, पांडू मेरा पति दिन रात खट्टा है,
और तुम लोगों को जरा भी फिक्र नहीं कितना नुकसान हो गया है नालायक कहीं का। सुरू, ये क्या कर रही हो तुम? पांडू हमारा पुराना नौकर है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो? तो पूछो अपने पुराने नौकर से कि खेत में गोदाम में कुएं में आग कैसे लग गई। आग लग गई? अरे पिछले दो सालों में खेत गोदाम तो दूर, पूरे गांव में कहीं आग नहीं लगी। सुरू, ये मैं नहीं कह रही, ये बही खाता कह रहा है। इसमें लिखा है कि आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ? ये बही खाता कौन लिखता है? मुनीम जी। अरे मुनीम जी, ये हफ्ता मेरा कैसा निकलने वाला है जरा पढ़कर सुनाइए। आपके राहु की अमंगल दशा अब शुरू होने ही वाली है। मुनीम जी। जी जी मालिक। इस बही खाते में क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। जियो अनाज गोदाम। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, जो लिखा उसे ठीक ठीक पढ़ते क्यों नहीं, पढ़िए जल्दी। जियो अनाज के गोदाम में आग लगने से 2,00,000 रुपए का नुकसान हो गया है। अरे लगता है तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। यहाँ तो लिखा है कि बिक्री से 2,00,000 रुपए का मुनाफा हुआ है और तू नुकसान करवा रहा है, नमक हराम कहीं का। मामा जी, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुनीम जी साफ साफ बताइए, क्या गोदाम में आग लगी थी? जी वो मैं तो, मुझे तो। तुम ऐसे नहीं बताओगे? पांडू मेरा चाबुक कहाँ है? आज के इस मामले में चाबुक का कोई काम नहीं। ये देखो बंदूक, इसमें असली गोलियां भरी हुई है। गोली अंदर, सच बाहर, मार दो। अब बोलिए मुनीम जी, सच क्या है? आपने झूठा बही खाता लिख लिख कर कितने रुपए का गबन किया है? मालिक मैंने कोई गबन नहीं किया, ये सब तोता राम जी ने किया है। मामा जी, मामा जी, भागने की कोशिश मत करना मामा जी, वरना पागल कुत्ते की तरह गोली मार दूंगा। मैं तेरा इकलौता मामा हूँ, मुझे मत मार, मुझे मत मार। नाटक बंद करो मामा जी, और ये बताओ कि चुरावे रुपए तुमने कहाँ रखे हैं? ये सब क्या हो रहा है? अरे बहना मुझे बचा लो बहना, तेरी छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। माँ, तुम्हारा भाई समझकर सारे हिसाब किताब की जिम्मेदारी में रहने दी, और इन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया और लाखों रुपए का घोटाला किया। मैं सुबह का भूला शाम को वापस घर आ गया हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया जाने दे बेटा, जो हो गया सो हो गया, इसे माफ कर दे। माफ कर दे? ठीक है माँ, तुम कहती तो मैं माफ कर देता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इन्होंने अगर सिर्फ आपको धोखा दिया होता तो बात अलग थी, लेकिन आपकी देवी जैसी माँ को धोखा दिया है, इन्हें कैसे माफ किया जा सकता है? बिल्कुल सही माँ, तुम बिल्कुल भोली हो, इसलिए सभी तुम्हें धोखा देते हैं। इस जैसे आदमी को तो माफ करना ही नहीं चाहिए। सच सच बताइए मामा जी, 84 रुपए तुमने कहाँ रखे? नहीं तो मैं गोली मत चलाना।